इस वीडियो में हम लोग Realme 2 Pro और Moto Power 1 Power के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं रवि टेक ट्यू। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Realme 2 Pro और Moto 1 Power के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए दोनों फोन की कंपैरिजन की, तो Realme 2 Pro की बात करें यहाँ पे, अगर सबसे पहले डिस्प्ले से तो 6.3 इंच का आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। यहीं पे Moto 1 Power की बात की जाए तो इसमें आपको 6.3 जो है इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है। यहीं पे अगर बात की जाए Realme 2 Pro की बैटरी बैकअप के बारे में, तो आपको 3500 mAh का देखने को मिल सकती है बैटरी पावर और बैटरी मिलते हैं। यहीं पे अगर बात की जाए Moto 1 Power के बारे में, तो यहाँ पे आपको 5000 mAh का बैटरी मिलता है, जो कि काफी बहुत बड़ा लार्ज बैटरी है। तो ये है Moto 1 Power के बारे में और Realme 2 Pro के बारे में। अगर आगे बात की जाए इंटरनल स्टोरेज और वेरिएंट्स की, तो कीमत के बेस पे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो Realme 2 Pro के बारे में, तो 4GB 64GB और 6GB 64GB और 8GB 128GB के वेरिएंट में आपको उपलब्ध कराया गया है। यहीं पे Moto की भी बात की जाए तो सेम इसी तरह का है, 4GB 64GB 6GB और 64GB, और फिर बात की जाए तो 8GB और 128GB। यहीं पे अगर बात की जाए तो कीमत के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग कैमरा की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कीमत के बारे में। सबसे पहले अगर कैमरा की बात की जाए तो Realme 2 Pro के बारे में बात की जाए, तो इसका कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल जो कि रियर कैमरा देखने को मिलता है। यहीं पे अगर बात की जाए Moto 1 Power के बारे में, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा देखने को मिलता है। यहीं पे अगर सेल्फी के शौकीन है आप, तो चलिए देखते हैं Realme 2 Pro के बारे में। अगर बात की जाए तो आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, उसमें आपको बहुत सारे इफेक्ट के साथ आपको मिलते हैं। यहीं पे अगर Moto 1 Power के बारे में बात की जाए तो सिर्फ 12 मेगापिक्सल, ये थोड़ा अगर आप सेल्फी के शौकीन है तो Moto 1 Power जो है थोड़ा सा कैमरे में, सेल्फी कैमरा की अगर बात की जाए तो कम है। तो ये है, इसी के हिसाब से अगर कीमत की बात की जाए तो Realme 2 Pro जो है उसके वेरिएंट के हिसाब से कीमत बात की जाए तो 4GB और 64GB वाले इंटरनल स्टोरेज के फोन की बात की जाए तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 13,990 रुपए, और यहीं पे बात की जाए 6GB और 64GB इंटरनल वाले की तो 15,999 रुपए, और 8GB 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले की बात की जाए तो आपको 17,990 रुपए पड़ते हैं। यहीं पे Moto की बात की जाए तो Moto जो है 2,000 रुपए काफी थोड़ा सा ज्यादा है इसमें, क्योंकि ये बैटरी से लेकर के और भी थोड़े से सेल्फी में कम है लेकिन और में तगड़ा है। तो इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं 4GB और 64GB वाले इंटरनल स्टोरेज वाले फोन की वेरिएंट की कीमत की बात करें तो 15,990 रुपए। यहीं पे अगर बात की जाए 6GB और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाले की तो 17,990, और इसी तरह से बढ़ते जाते हैं। इन दोनों फोन की अगर बात की जाए तो आप इंटरनल स्टोरेज को जो है माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 256GB तक आप इंक्रीज कर सकते हैं। यहीं पे अगर बात की जाए दोनों की फोन में कंपैरिजन के बाद, तो दोनों ही फोन अगर देखा जाए तो अपने अपने रेंज के हिसाब से काफी हद तक अच्छे हैं, डिपेंड आपके ऊपर है। यदि आप सेल्फी के शौकीन हैं तो आप Realme 2 Pro लेंगे, और यदि आप थोड़े से सेल्फी में कैमरा कम मिल रहा है जैसे कि 12 मेगापिक्सल Realme 2 Pro की बात करें तो 16 मेगापिक्सल मिल रहा है, और यहीं बात की जाए Moto के बारे में तो Moto आपको 12 मेगापिक्सल ही फ्रंट कैमरा दे रहा है। तो आप कौन सा फोन लेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पत्रकाली की कसम है सरकार।